सुबह सुबह उठकर क्या देखता हूं कि मेरे द्वार पर खून रंगे हाथों से कई छापे लगे हैं और मेरी पत्नी ने स्वप्न देखा है कि एक नरकंकाल आधी रात को एक हाथ में खून की बाल्टी लिए आता है और दूसरा हाथ उसमें डुबोकर हमारे द्वार पर एक छापा लगाकर चला जाता है। फिर एक दूसरा आता है, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा। यह बेगुनाह खून किनका है? क्या उनका, जो सदियों से सताए गए, जगह जगह से भगाए गए, दुख सहने के इतने आदि हो गए कि विद्रोह के सारे भाव ही खो गए, और जब मौत के मुंह में जाने का हुक्म हुआ, निर्विरोध चुपचाप चले गए और उसकी विषैली सांसों में घुटकर सदा के लिए सो गए। उनके रक्त की छाप अगर लगनी थी तो किसके द्वार पर? यह बेजबान खून किनका है? क्या उनका, जिन्होंने आत्महन शासन के शिकंजे की पकड़ से, जकड़ से छूटकर उठने का, उभरने का प्रयत्न किया था और उन्हें दबाकर, दलकर, कुचलकर पीस डाला गया है, उनके रक्त की छाप अगर लगनी थी तो किसके द्वार पर? यह जवान खून किनका है? क्या उनका, जो अपनी माटी का गीत गाते, अपनी आजादी का नारा लगाते, हाथ उठाते, पांव बढ़ाते आए थे, पर अब ऐसी चट्टान से टकराकर अपना सिर फोड़ रहे हैं, जो न टलती है, न हिलती है, ना ही पिघलती है, उनके रक्त की छाप अगर लगनी थी तो किसके द्वार पर? यह मासूम खून किनका है? क्या उनका, जो अपने श्रम से धूप में, ताप में, धूली में, धुएं में सनकर काले होकर अपने सफेद स्वामियों के लिए साफ घर, साफ नगर, स्वच्छ पथ उठाते रहे, बनाते रहे, पर उन पर पांव रखने, उनमें बैठने का मूल्य अपने प्राणों से चुकाते रहे, उनके रक्त के छाप अगर लगनी थी तो किसके द्वार पर? यह बेपनाह खून किनका है? क्या उनका, जो तवारीख की एक रेख से अपने ही वतन में एक जला वतन है? क्या उनका, जो बहुमत के आवेश पर, सनक पर, पागलपन पर अपराधी दंड्य और वध्य करार दिए जाते हैं, निर्वास, निर्धन, निर्वसन, निर्मम कत्ल किए जाते हैं, उनके रक्त की छाप अगर लगनी थी तो किसके द्वार पर? यह बेमालूम खून किनका है? क्या उन सपनों का, जो एक उगते हुए राष्ट्र की पलकों पर झूले थे, पुतलियों में पले थे, पर लोभ ने, स्वार्थ ने, महत्वाकांक्षा ने जिनकी आंखें फोड़ दी हैं, जिनकी गर्दनें मरोड़ दी हैं, उनके रक्त की छाप अगर लगनी थी तो किसके द्वार पर? लेकिन इस अमानवीय अत्याचार, अन्याय, अनुचित, अकरणीय, अकुरण का दायित्व तो किसने लिया? जिसके भी द्वार पर यह छापे लगे, उसने पानी से धुला दिया, चूने से पुता दिया। किंतु कभी द्वार पर यह छापे लगे रहे, जो अनिति अति की कथा कहे, व्यथा कहे, और शब्द यज्ञ में मनुष्य के कलुष दहे, और मेरी पत्नी ने स्वप्न देखा है कि ये नरकंकाल कभी कभी के द्वार पर ऐसे ही छापे लगा रहे हैं, ऐसे ही शब्द ज्वाला जगा रहे हैं।